जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। अगर आप एक नए फ़ोन लेने की सोच रहे हैं और आपका बजट 20,000 के आसपास है और आप कंफ्यूज हैं कि आप कौन सा फ़ोन लें, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनी है। आज आप इस वीडियो के थ्रू 5 ऐसे बेहतरीन फ़ोन्स को देखने जा रहे हैं जो कि आपको मात्र 20,000 के आसपास मिल जाएंगे। और जितने फ़ोन्स आज आप इस वीडियो के थ्रू देखने वाले हैं, सभी में आपको धमाकेदार फीचर्स मिल जाएंगे। कोई फीचर्स की कमी आपको किसी फ़ोन में देखने को नहीं मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओम और आपका पूरा परिवार सुखी रहे, हम स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ ये वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ हाईलाइट्स आपको इस वीडियो के बारे में बता देते हैं। दोस्तों, जितने फ़ोन आज आप इस वीडियो के थ्रू देखेंगे, सभी में आपको धमाकेदार कैमरा क्वालिटी और सभी में आपको एक बेहतरीन बैटरी बैकअप और सभी में आपको फीचर्स लोडेड फ़ोन देखने को मिल जाएंगे। सभी फ़ोन लगभग ऑलराउंडर की कैटेगरी में आपको देखने को मिल जाएंगे और कोई फीचर्स की कमी आपको किसी फ़ोन में दिखाई नहीं देने वाली है। ये बात करते हैं लिस्ट के सबसे नंबर वन के फ़ोन की, जो है रियलमी की तरफ से रियलमी P1 5G और रियलमी नार्जो 70 प्रो 5G। लिस्ट पे दो फ़ोन आते हैं दोस्तों। आइए फीचर्स की बात कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे रियलमी P1 5G की। आप दोनों फ़ोन्स को एक बार चेक कर सकते हैं। इसके डिज़ाइन की अगर बात की जाए तो पॉलीकार्बोनेटेड बॉडी आपको इस फ़ोन में मिल जाता है। 188 ग्राम इसका ओवरऑल वेट है और 7.9 mm इसका ओवरऑल साइज है, यानी आप समझ सकते हैं काफ़ी लाइट वेट और स्लिमेस्ट फ़ोन है। IP54 का रेटिंग आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। 3.5 mm का जैक, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, हाइब्रिड स्लॉट और 2 TB तक का एक्सपेंडेबल स्टोरेज आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। एंड्रॉयड 14 का सपोर्ट आपको इस फ़ोन में देखने को मिलता है। रियलमी UI का वर्जन आपको इस फ़ोन में देखने को मिलता है, जो कि इस फ़ोन को काफ़ी पावर प्रोवाइड करता है। अगर बैटरी की बात की जाए तो 5000 mAh की पावरफुल मैसिव बैटरी आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाती है और काफ़ी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। और गेमिंग के पर्पज़ से ये फ़ोन काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। आप एक बार इसे ज़रूर चेक करें। अगर आपका फर्स्ट प्रायोरिटी गेमिंग है तो आप ये फ़ोन को ले सकते हैं। MediaTek Dimensity 7050 का एक पावरफुल प्रोसेसर आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। 600,000 तक N22 स्कोर, LPDDR6 का 4x रैम आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है दोस्तों इस फ़ोन का और ये फ़ोन का लुक भी काफ़ी बेहतरीन है। लुकिंग वाइज सभी फ़ोन्स आपको जो भी इस वीडियो में दिखाई देंगे, सभी काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल जाएंगे। 50 MP का प्राइमरी कैमरा, 2 MP का बोकेह सेंसर के साथ आपको डुअल रियर कैमरा फ़ोन में देखने को मिल जाता है। 16 MP का फ्रंट कैमरा आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है और इस फ़ोन से आप 4K का वीडियो रिकॉर्डिंग भी रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS तक का। और इस फ़ोन में आपको काफ़ी अच्छा कैमरा क्वालिटी देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप इसके कुछ रीसेंट क्लिक देख सकते हैं। और ये फ़ोन की यूजर रेटिंग काफ़ी बेहतरीन है और जितने भी फ़ोन्स आप देख रहे हैं सभी की यूजर रेटिंग काफ़ी बेहतरीन है। 6.67 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। 120Hz की रिफ्रेश रेट के साथ 2000 तक का नेट स्पीक ब्राइटनेस आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है और ये फ़ोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी देखने को मिलता है और फ़ोन काफ़ी बेहतरीन है दोस्तों। 20,000 का बजट रेंज का फ़ोन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, रियलमी P1 5G हमारे लिस्ट का पहला फ़ोन, जो कि काफ़ी बेहतरीन फीचर्स के साथ आपको ये फ़ोन मिल जाता है। 19,999 इसका प्राइस है। 3 रैम वेरिएंट आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाते हैं। 8256 वाला जो वेरिएंट है आपको 18,999 मिल जाएगा और सभी फ़ोन्स आपको 20,000 के अंदर ही मिल जाएंगे। रियलमी P1 5G जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं और सभी फ़ोन्स में आपको धमाकेदार फीचर्स देखने को मिलेंगे ही, जैसा कि मैंने आपको पहले ही वादा किया है। ये बात कर लेते हैं अपने लिस्ट के दूसरे नंबर के फ़ोन की, जो है पोको के तरफ से पोको X6। दोस्तों, आपको ब्रांड पे नहीं जाना है, कंपनी कोई भी रहे, लेकिन आपको धमाकेदार फीचर्स इस फ़ोन में देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए आज आपको मेरी लिस्ट पर पोको का फ़ोन दिखाई दे रहा है, पोको X6 5G, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। प्लास्टिक बैक आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है, डुअल सिम का सपोर्ट, हेडफोन जैक आपको इस फ़ोन में देखने को मिलता है, IP54 का रेटिंग भी आपको इस फ़ोन में देखने को मिलता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स 12 एटमॉस के साथ और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाते हैं। 6.67 इंच का कॉर्नरिंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का सपोर्ट आपको इस फ़ोन में देखने को मिलता है। 1.5K की रेजोल्यूशन आपको इस फ़ोन में देखने को मिलता है। अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो AMOLED डिस्प्ले आपको इस फ़ोन में देखने को मिलता है और वीडियो प्लेबैक इस फ़ोन का काफ़ी बेहतरीन है दोस्तों। और फ़ोन ये जो गेमिंग के पर्पज़ से काफ़ी बेहतरीन है। 1800 तक का नेट स्पीक ब्राइटनेस आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। 10 5G बैंड्स आपको इस फ़ोन में मिलते हैं। ब्लूटूथ 5.2 का
वर्जन वाईफाई भी आप कुछ फ़ोन में देखने को मिलता है, एयर ब्लास्टर्स आप कुछ फ़ोन में देखने को मिल जाता है, MIUI 14 एंड्रॉयड 13 बेस्ड एंड्रॉयड वर्जन आप कुछ फ़ोन में देखने को मिलता है, Xiaomi की तरफ से हाइपर ऑपरेटिंग सिस्टम और 3 मेजर अपडेट्स और 4 सिक्योरिटी पेच के साथ ये फ़ोन आपको मिल जाता है। और कुछ ब्लोटर्स आप कुछ फ़ोन में देखने को मिलेंगे अपडेट के बाद, लेकिन आप उसे अनइंस्टॉल करके फिर से यूज कर सकते हैं। स्नैपड्रैगन 7s का जनरेशन 2 आपको इस फ़ोन में मिलता है रैम, और लगभग 6 लाख तक का आपको N22 स्कोर इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है, और गेमिंग के पर्पस से ये फ़ोन काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। और दोस्तों, हम वीडियो इसी मकसद से बनाते हैं ताकि आप एक अच्छा और बेहतरीन फ़ोन खरीद सकें, जिसे आप लंबे समय तक बिना कोई रुकावट बिना कोई झंझट इस्तेमाल करें, क्योंकि पैसे तो आपके ही खर्च होने जा रहे हैं। और हमारा ये दायित्व बनता है कि हम आपको अपने वीडियो के थ्रू एक बेहतरीन फ़ोन परचेस करवाएं, जिसे आप लंबे समय तक बिना कोई रुकावट बिना कोई झंझट इस्तेमाल करें। आइए बात कर लेते हैं अपने लिस्ट के तीसरे नंबर के फ़ोन की, जो है इंडियन ब्रांड है लावा की तरफ से, लावा ब्लेज कर्व 5G। और इसका नाम सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। 5000 mAh की पावरफुल मैसिव बैटरी आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाती है। 189 ग्राम का ओवरऑल वेट आपको इस फ़ोन में देखने को मिलता है। काफ़ी लाइट वेट फ़ोन है, और लुकिंग वाइज तो काफ़ी फ़ोन बेहतरीन है ही। और सभी फ़ोन जितने भी आप इस लिस्ट के थ्रू देख रहे हैं, इस वीडियो के थ्रू देख रहे हैं, सभी की यूजर रेटिंग काफ़ी बेहतरीन है। आप चाहें तो खुद एक बार चेक कर सकते हैं, और सभी लेटेस्ट लॉन्च फ़ोन है। आइए बात करते हैं इस फोन के कुछ धमाकेदार फीचर्स की। 6.67 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। 120Hz का रिफ्रेश रेट, HDR10 का सपोर्ट आपको इस फोन में देखने को मिलता है, और इस फोन का वीडियो प्लेबैक भी काफ़ी अच्छा है रहने वाला है। और लावा, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इंडियन ब्रांड है, और काफ़ी धमाकेदार फीचर्स आपको इस फोन में देखने को मिल जाते हैं। और ये जो आपको फीचर्स इस फ़ोन में मिल रहे हैं, लगभग 25,000-30,000 आप खर्च करेंगे तब जब आपको ये फीचर्स मिलेंगे, लेकिन ये आपको 20,000 के आसपास मिल जा रहे हैं, तो इसका आप फ़ायदा ज़रूर उठाएं। मीडियाटेक MC7050 का एक पावरफुल प्रोसेसर आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। LPDDR6 का रैम आपको इस फ़ोन में देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ आपको इस फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है, काफ़ी स्मूथ देखने को मिल जाएगा, और जितने फ़ोन से आप सभी में लेग फ्री गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा, और सभी का परफॉर्मेंस काफ़ी स्मूथ रहने वाले हैं। और आप देख सकते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले, कर्व डिस्प्ले आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है, जो कि इस फ़ोन को काफ़ी प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा आपको इस फ़ोन में देखने को मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। कुछ इसके क्लिक्स आप देख सकते हैं इस फ़ोन के। अगर प्राइस की बात की जाए तो 17998128 का वेरियंट, और 8GB 256 का जो वेरियंट है, 18999 आपको प्राइस में मिल जाएगा। आइए बात कर लेते हैं लिस्ट के फोर्थ नंबर के फ़ोन की। उम्मीद है कि अब तक आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो जरा सा पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब बटन को हिट करके, ताकि इसी तरह का और भी बेहतरीन वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। Realme 12 Plus और Realme Nardo 70 Pro 5G दो फ़ोन आपको इस लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं फोर्थ नंबर के फ़ोन की। और हम बात करेंगे Realme Nardo 70 Pro 5G की। इस फ़ोन के सबसे लुक को आप पहले देख लें, ओरिजिन ग्लास डिज़ाइन के साथ ये फ़ोन आता है। फ्लेक्सिप कैमरा आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले साइज की। 6.7 इंच का फुल HD सुपर AMOLED कर्व डिस्प्ले AMOLED आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। 120Hz का रिफ्रेश रेट, 2000 तक का नीट स्पीक ब्राइटनेस आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले फिंगरप्रिंट इस फोन में आपको देखने को मिलता है, और ये फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी स्मूथ रहने वाला है दोस्तों। बहरहाल जितने फ़ोन आप देख रहे हैं सभी का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है, और सभी में आपको धमाकेदार फीचर्स मिल ही रहे हैं। मीडियाटेक डेमसिटी का प्रोसेसर के साथ ये फ़ोन आता है, 7050 का प्रोसेसर, जो कि काफ़ी पावरफुल चिपसेट है। एंड्रॉयड 14 का सपोर्ट आपको इस फोन में देखने को मिलता है। Realme UI 5.0 का एंड्रॉयड 14 वर्जन सपोर्ट आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। Realme Nardo 70 Pro 5G जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह का और भी बेहतरीन अन्य बजट रेंज के वीडियोस को देखने के लिए, अन बजट रेंज के फोन्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जरूर विजिट कर सकते हैं। ट्रिपल रियर कैमरा आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का कैमरा आपको इस फोन में देखने को मिलता है मेन कैमरा, जो कि सोनी की तरफ से आपको मिलता है। वॉइस कैमरा है दोस्तों, और काफ़ी अच्छा कैमरा क्वालिटी आपको इस फोन में अनुभव होने वाला है। आप अपने जीवन के सुनहरे अवसर को इसमें संजो के रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन फीचर्स वाला कैमरा फ़ोन आपको मिल जा रहा है। आप एक बार इसको जरूर चेक कर सकते हैं अगर आपका 20,000 का बजट रेंज है तो, और
काफ़ी बेहतरीन धमाकेदार लुक के साथ ही फ़ोन आता है। अगर कैमरा फीचर्स की बात की जाए तो सुपर नाइट मोड आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। एयर गेस्चर्स आपको इस फ़ोन में देखने को मिलता है, जो कि गेमिंग के समय आपको काफ़ी मदद करने वाला है। रियलमी नार्जो 70 प्रो, इसका जो प्राइस है वो 19,999 है। आइए बात करते हैं अपने लिस्ट के अगले नंबर के फ़ोन की, जो है वन प्लस नोट सी 4 लाइट 5G, जो कि काफ़ी लेटेस्ट लॉन्च फ़ोन है वन प्लस की तरफ से। और आप जान ही रहे वन प्लस एक काफ़ी नामी ग्रामी ब्रांड है, इसीलिए आज आपको मेरे लिस्ट में भी वन प्लस का फ़ोन दिखाई दे रहा है। और वन प्लस का भी अपने यूजर्स को निराश नहीं करता है, हमें इससे धमाकेदार फ़ोन ये अपने यूजर्स को देता है, इसीलिए आज आपको मेरे लिस्ट में भी वन प्लस का फ़ोन दिखाई दे रहा है। तो ये बात कर लेते इस फ़ोन के कुछ धमाकेदार फीचर्स की। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले साइज़ की, 6.67 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। क्वाड टच डिस्प्ले आपको इस फ़ोन में देखने को मिलता है 120 हर्ट्ज का, एक स्मूथ डिस्प्ले आपको इस फोन में देखने को मिल जा रहा है रिफ्रेश रेट के साथ। प्रोसेसर की अगर बात की जाए तो स्नैपड्रैगन 695 का एक प्रोसेसर आपको मिल जा रहा है। एंड्रॉयड 14 का सपोर्ट आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। और भी कई सारे धमाकेदार फीचर्स आपको इस फोन में देखने को मिल जा रहे हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। अब तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो आपको शायद सभी फ़ोन से लगभग समझ में आ रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे। आप सभी फ़ोन्स को एक बार चेक कर सकते हैं और आपके पसंद के अनुरूप आप फ़ोन परचेस कर सकते हैं। सभी फ़ोन सबसे बढ़कर एक हैं और सभी में आपको धमाकेदार फीचर्स तो मिल ही रहे हैं। कैमरा की अगर बात की जाए तो 50 मेगापिक्सल का सोनी LYT 600EI का प्लस OIS कैमरा आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो 16 मेगापिक्सल AI इन्हेंसमेंट कैमरा आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। उम्मीद है कि अब तक आपको वीडियो पसंद आई होगी। वन प्लस नोट सी 4 इसकी प्राइस की अगर बात की जाए तो 19,999